नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आशीष कटारिया आर्टिस्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बनाएंगे कुछ गाय के स्केचेस, तो आइए देखते हैं और सीखते हैं। लर्न आर्ट फ्रॉम आर्टिस्ट आशीष कटारिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कुछ गाय के स्केचेस। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ऑल ऑप्शन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों, ये साइड में आपको दिख रहा है दो गाय खड़ी है, थोड़े आगे और भी गाय खड़ी है। तो वन बाय वन हम स्केच बनाते रहेंगे, आप देखते जाइए, सीखते जाइए। पहले मैंने हॉर्न्स बना लिए, अभी गाय का मुंह बना रहे हैं। लाइन जैसे ही आपको दिख रही है वैसे ही बनाना है, ज़्यादा कुछ है नहीं। और अगर आपने अभी तक शुरू कर दिया है तो आपको थोड़ी बहुत तो हैबिट हो गई होगी स्केचिंग की, और आप काफ़ी अच्छा बनाने लगे होंगे। कुछ व्यूअर्स के फ़ोन आते हैं और बताते हैं कि हम आपका वीडियो देख के सीखते हैं, तो खुशी होती है कि कोई तो सीख रहा है। तो दोस्तों, ऐसे ही मैं रोड से जा रहा था यहाँ पे, और कुछ गाय बैठी हुई, कुछ खड़ी हुई देखी मैंने, तो यहीं पर खड़ा हो गया और स्केच बनाना शुरू कर दिया। देखिए, छोटी सी स्केचबुक मैं अपने साथ रखता हूँ, और एक पेन से भी और पेंसिल से भी कभी कभी कर लेता हूँ। देखिए, एक लाइन थोड़ी गलत गई तो उसके जगह दूसरी लाइन कर दी है। अभी आप देख रहे हैं कि ये जो गाय खड़ी है वो ब्लैक कलर की है, तो जब भी पूरी हो जाएगी गाय स्केच, उसका पूरा हो जाएगा, तो मैं उसको थोड़ा सा ब्लैक कर दूंगा, तो आप देखिएगा कैसे करता हूँ। एनिमल है तो वो मूवमेंट करता रहेगा, तो हो सके उतना थोड़ा जल्दी से स्पीड में उसका स्केच कीजिएगा। आगे वाले दोनों पैर इस साइड वाले हो गए, अभी दो पैर और बनाने हैं। ये देखिए, मैं पहले थोड़ा सा उसको ब्लैक कर देते, मैंने जो अभी आपको बात की थी। अगर आपको एकदम ब्लैक करना है डार्क, तो लाइन को पास पास में कीजिए, और अगर हल्के से करना है तो लाइट दिखाना है तो थोड़ा सा गैप बढ़ा दीजिए लाइन के बीच का, तो वो इजीली और अच्छा भी दिखेगा। ये देखिए, मैंने गाय को पूरा ब्लैक कर दिया है धीरे धीरे। एक पैर और भी बना लेते हैं। ये मैंने बना लिया है पैर। तो दोस्तों, ऐसे ही मैं स्लैंटिंग स्ट्रोक्स लगा के कंप्लीट कर रहा हूँ। यहाँ थोड़ी स्पेस बड़ी थी तो मैंने जरा बड़े स्ट्रोक्स लगा लिए। तो ये हो गया गाय का स्केच। ये पीछे थोड़ी पूंछ भी डार्क कर देते हैं। दोस्तों, अब दूसरा स्केच कर रहे हैं, जो बैठी हुई गाय है, तो पहले मैंने हॉर्न से शुरू किया।
ये स्केच बनाते बनाते भी एक दो पेज तो ऐसे ही चेंज करने पड़े, क्योंकि एनिमल कभी भी मूवमेंट चेंज करता रहता है, तो वो स्केच छोड़ देना है, दूसरा स्केच शुरू कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर फिर से वही मूवमेंट में काव आ जाती है तो वो वाले अधूरे स्केच पे शुरू कर दीजिए स्केच। ये आगे वाला एक पैर हो गया मुड़ा हुआ, ये जो स्किन होती है एक्स्ट्रा लटकती हुई, और ये दूसरा पैर है। दोस्तों मैं जब कॉलेज में स्टडी करता था तब मेरे घर पे एक गाय आती थी, जो जब तक रोटी नहीं देते थे वो बैठी रहती थी गांव में, और रोटी देने के बाद वो खा के चली जाती थी। तो मैं उसके काफ़ी सारे स्केचेस बना लेता था और उसके बाद उसे रोटी खिलाता था तो चली जाती थी। तो गाय मुझे आज भी याद है, और उसके स्केचेस भी मेरे पास पड़े हैं, कभी आपको दिखाऊंगा। दोस्तों एनिमल जो होता है ना बहुत ही भावुक भी होता है, आप उससे जैसा बिहेव करोगे वो आपकी भाषा समझता है। अब ये थोड़ा चेंज हो गया इसलिए छोड़ दिया वो स्केच अधूरा ही। ये देखिए सामने वो व्हाइट वाली काव खड़ी है, उसका हम स्केच बनाएंगे अभी। बीच में व्हीकल्स आते जाते रहते हैं, पर हमें अपना काम करते रहना है। एक ऐसी जगह पकड़ लेनी है जहाँ बैठ जाना है कि कम से कम डिस्टर्बेंस हो। अभी मैं कार के अंदर से कर रहा हूँ स्केच। ये देखिए पीछे वाला हिस्सा थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर उस स्टमक का पार्ट अलग से दिखेगा ऐसे। ये ऊपर से जो ऊंचा पार्ट बनाया है वहीं से उसी लाइन में आगे नीचे पैर निकलता है, और ये लटकती हुई स्किन उसकी। दोस्तों मैं जब कॉलेज में था तो हमारे सर थे आर्ट टीचर डिप्लोमा में, जिनका नाम था पानाचंद लुणेचिया। उन्होंने बताया था कि जो वेजिटेरियन एनिमल होते हैं उनके पैर में सेंटर में जॉइंट आता है, और जो नॉनवेज खाने वाले होते हैं मतलब शिकार करके खाने वाले, वैसे एनिमल के पैरों में सेंटर में नहीं पर एक ऊपर और एक नीचे की ओर जॉइंट होता है। जैसे आप कुत्ता देख लो, बिल्ली देख लो, शेर देख लो, वो सबके पैरों में दो जॉइंट होते हैं। और गाय जो है शाकाहारी है तो उसके सेंटर में जॉइंट एक होता है। तो वैसे देखे तो हमारे हाथ पैर में भी सेंटर में जॉइंट है, तो हम भी वेजिटेरियन हुए। देखिए एक और स्केच। तो कुछ बातें ऐसी होती है जो लाइफ टाइम याद रह जाती है हमें, जब हमारे टीचर सिखाते हैं तो कुछ ऐसी बातें होती है जो हमें पूरी लाइफ टाइम याद रहती है और हम उसे फॉलो भी करते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही एक छोटी सी स्केचबुक रखिए अपने साथ, जब भी मौका मिलता है जो भी दिखता है उसका स्केच कर लीजिए। आपके पास धीरे धीरे आपके स्केचेस का कलेक्शन बढ़ता जाएगा और सीखते भी जाएंगे आप, मेमोरी में भी इतना सारा स्टोरेज होता जाएगा कि जब भी आप मेमोरी ड्राइंग करना चाहे आप कर सकते हैं।
बिना देखे फिर आप गाए तो क्या कुछ भी बना सकते हैं, जो जो आपने स्केच किया है वो आपके लिए फिर इजी हो जाएगा। तो ऐसे बनाते जाइए, देखते जाइए, सीखते जाइए। थैंक यू सो मच। लर्न आर्ट फ्रॉम आर्टिस्ट आशीष कटारिया। राम राम।